शकील आजमी साहब, अरे बैठो घर भेज देंगे, ऐसा ले गया जिले सुबानी अकबर, ये मनार गली का डांस होगा। ये जो स्कीम में इतने सारे मनाए हैं, एक ही को सुनोगे तो क्या होगा। ये शकील आजमी जो हैं, इनके बारे में बताया, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, परसों पढ़ लेते थे मेरे को भाई इसका टिकट कट गया। ये बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन मैं अभी परसों पढ़ ले दिन एक कागज देख रहा था एक मैगजीन में, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ छपी हुई थी, तब मुझे पता लगा कि ये मुझसे एक साल छोटे हैं, लेकिन ये रहते इस तरह से हैं बुजुर्ग बन के, क्योंकि मुंबई में रहते हैं, इनको पता है कि हारमोनियम बजाओ, भजन गाओ और बुजुर्ग हो जाने में फायदा है। तो ये उसी तरह से, लेकिन कई बार क्या होता है कि शायर तो बखमाल है ही हमारा यार, कई बार पिच भी अनुकूल मिल जाता है, तो हर बार मिलने के लिए। तो आज शकील आदमी को जो पिच आपने दिया है इंदौर वालों, तो कमाल कर दिया, एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए। बहुत इंदौर से बेहतर कौन समझेगा कि बल्लेबाज कैसा होता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप इंदौर में मकान ले लो यार, इतना ज्यादा इंदौर उज्जैन देवास इतना जाते हो आप। मुझसे दिल्ली में कुछ लोग पूछ रहे थे ताई कि भाई दक्षिण 11 है, एक टीम है, एक मद्रास 11 है, एक राजपूताना है, तो मालवा या इंदौर की आईपीएल में टीम क्यों नहीं है। मैंने कहा सट्टा कौन लगाएगा, वो बड़ा मखमली और बड़ा रेशमी कवि है, उसकी स्वर लहरी में पूरा भारत पिछले 30 वर्षों से डूबा हुआ है। मैं गीत का विद्यार्थी हूं और गजल के अखाड़े में बड़े बड़े महारथी गजल के बैठे हुए हैं। गीत को ये कहने का हुनर हासिल है, उसे ये उपलब्धि प्राप्त है कि वो अपनी बात को बड़े बारीक तरीके से कहे। गजल उसी बात को अलग अलग रंग में एक साथ कह देती है, और जिसको दोनों सज जाएं उससे मंच भी सज जाता है, उससे साहित्य भी सज जाता है। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो भोपाल से ताल्लुक रखते हैं, आप सब उनसे मोहब्बत करते हैं, वो इसलिए भी बड़े कवि हैं कि वो लोकप्रिय हैं, लेकिन वो इसलिए भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि राहत साहब की निजी अंतरंगता के कोष्ठ में जो 2-4-5 कवि हैं जिनको राहत साहब छेड़ते रहते हैं, कहते सुनते रहते हैं, जो उनके अशार तक में आ गए हैं, प्रेम प्यार के सारे मुझसे सीखते हैं, मंजर मंजर सब